पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश विदेश में मनाई जा रही है, और साथ ही जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया, याद किया। वहीं राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छता पुरस्कार बांटेंगे, और इस दौरान पीएम भी मौजूद रहेंगे। गांधी जयंती पर पीएम मोदी राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन करेंगे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली भी लॉन्च करेंगे। तो देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मना रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज देश के साथ साथ विदेशों में भी बापू को नमन किया जा रहा है, और राजघाट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज भी दिन भर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 4 साल पहले आज ही के दिन हुई थी, और लगातार उस मिशन पर काम कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन जो सपना देखा था बापू ने, उस सपने को साकार करने की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजघाट पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजघाट की तस्वीरें, जहां एक तरफ सोनिया गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और इन्होंने भी बापू को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज, और राजधानी जयपुर में गांधी सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, मेयर अशोक लाहौटी, महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही निगम कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त समेत कई अधिकारी भी नजर आए। सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही रामधुनी और बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम सब बापू के सिखाए हुए पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करें। याद रखें कि पूरा राजस्थान अपना परिवार है, 36 के 36 को हम सब अपने हैं। सबको साथ लग लेके, सबको गले से लगा के एक परिवार के रूप में गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग में चलने पर मैं समझती हूँ कि वो राजस्थान बनेगा जो हम सबके सपने का राजस्थान। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज, और जिस पर सचिवालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री कालीचरण सराफ ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। इस मौके पर CSDB गुप्ता, ACS मुकेश शर्मा, सुबोध अग्रवाल, प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, आलोक कुलदीप राका, रजत मिश्र, सचिव भास्कर सावंत, पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल, सचिवालय अधिकारी, संघ अध्यक्ष शंकर मनोहर, कर्मचारी संघ अध्यक्ष पंकज कुमार मौजूद रहे, और सभी ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सचिवालय में रामधुनी और बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया देश के लोगों को, उस पर यदि चलेंगे तो देश की भी तरक्की होगी और सामंजस्य बना रहेगा सब लोगों में।